नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक अपराध की ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी कातिलाना पत्नी भी होती है जो अपने पति के खून की प्यासी होती है। अपने आशिक के साथ मिलकर इस बेरहम और भयानक पत्नी ने अपने पति के चार हिस्से कर दिए और अपने ही घर के किचन में उसे दफना दिया। इस पूरे वारदात की घटना का खुलासा किया मात्र 6 साल की उस बच्ची ने, जिसकी आंखों के सामने उसके पिता की हत्या उसकी मां ने कर दिया था। वो भी उस बेरहमी से, जो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि इस तरह की दयनीय और भयानक वाद पत्नी होती है। एक दंपति बड़े ही सुकून से मुंबई के दहिसर इलाके के खान कंपाउंड में भाड़े के घर में रह रहे थे। रईस दहिसर पूर्व रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। पत्नी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के साथ घर पर रहती थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले अमित विश्वकर्मा के साथ शाहिदा के अनैतिक संबंध बन गए। धीरे धीरे यह बात रईस तक पहुँची तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पति के रोज रोज का विरोध शाहिदा को नागवारा था। तब उसने प्रेमी अमित के साथ मिलकर रईस को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 11 दिन पहले शाहिदा और अमित जब अनैतिक संबंध बना रहे थे, तभी अचानक रईस घर पर आ पहुंचा। तब घर में रखे चाकू से दोनों ने मिलकर रईस का गला काट दिया। उसी दौरान 6 साल की बेटी 2.5 साल के भाई के साथ घर के अंदर आ गई। तब माँ शाहिदा ने बेटी को धमकाया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे भी उसके पिता की तरह काट कर जमीन में गाड़ देगी। जिसके बाद पुलिस जहां मामले की जांच कर रही थी, वहीं मासूम के बयान के बाद काले कारनामों से पर्दा उठ गया है और अब आरोपी हवालात पहुंच गए हैं। 25 मई को दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा करके कंप्लेन दिया था। वो दहिसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेन रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया, वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है उसकी जो पत्नी है, उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया। तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो उस वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहिसर पुलिस स्टेशन ने, डिटेक्शन स्टाफ ने, वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है।